केला खाने वालों का एनर्जी लेवल साधारण इंसान के मुकाबले ज्यादा होता है। एनर्जी लेवल बढ़ाने के साथ ही केले में विटामिन, आयरन और फाइबर पाया जाता है। एनर्जी से भरपूर होने की वजह से एथलीट रोजाना केले का सेवन जरूर करते हैं। वहीं कुछ लोगों में गलतफहमी होती है कि केले का सेवन इंसान को मोटा कर देता है। क्या केले का सेवन के साथ वर्कआउट करना जरूरी है? और सबसे अहम सवाल, क्या वर्कआउट कम और केले का सेवन ज्यादा करने से शरीर में चर्बी बढ़ जाती है? आज हम आपको इन्हीं अहम सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सेहतनामा। कई रिसर्च से साफ हुआ है कि केले का सेवन डिप्रेशन के रोगियों को आराम देता है। केले में ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो आपको रिलैक्स फील कराता है। यही वजह है कि जब डिप्रेशन का मरीज केले का सेवन करता है तो उसे राहत मिलती है। इसके अलावा केले में पाया जाने वाला विटामिन B6 शरीर में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ठीक रखता है। अगर आप एनीमिया के शिकार हैं तो आपको केला जरूर खाना चाहिए। केले के सेवन से शरीर में आयरन की कमी धीरे धीरे कम हो जाती है और आपकी एनीमिया की समस्या भी दूर होती है। अगर आप कब्ज से परेशान हैं तो केला आपको कब्ज से राहत जरूर देगा। दूध के साथ केले का रोजाना सेवन करने से आपको कब्ज से राहत मिलती है, लेकिन ध्यान रहे, आपको दूध और केले का सेवन रात के वक्त करना है। केले का सेवन शरीर में खून की मात्रा बढ़ाकर शरीर को ताकत देता है। अगर आपको या आपके बच्चे को सूखी खांसी या पुरानी खांसी की समस्या है तो केले का शरबत बनाकर पिएं, इससे आपको आराम मिलेगा। केले का शरबत बनाने के लिए 2 केले को मिक्सी में लेकर अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें दूध और सफ़ेद इलायची मिला लें। बहुत ही आसानी के साथ केले का शरबत तैयार हो जाता है और ये शरबत आपकी पुरानी खांसी को जड़ से ख़त्म कर सकता है। केला और दूध की खीर रोजाना खाने से कई बीमारियों में आराम मिलता है। अगर आपके घर में किसी को दस्त लग जाए तो पके केले को फेंट कर मक्खन की तरह उसे बना लें। अब इसमें कुछ दाने मिश्री के मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें। ऐसा करने से लूज मोशन की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।